क्वेश्चन नंबर फोर है 30.1 से आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर व्हाइल आर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. अरे ये नंबर दिए हुए हैं, इनमें से ये बताना है बड़ा कौन सा है. तो पहला पार्ट है 4 इज पावर 3. तो मैं 4 इज पावर 3 पहले देखूंगा. ये 4 बेस है, ये एक्सपोनेंट 3 है, यानी 4 कितनी बार रोटेट करना है, 4 का प्रोडक्ट 3 बार लेना है, यानी 3 पावर है. वो क्या बनेगा, 4 इंटू 4 16 16 इंटू 4 क्या बनेगा, 64. इसके बाद दूसरा है 3 रेज पावर 4, यानी बेस 3 है, यानी 3 लिखना है कितनी बार, 3 बार. 4 बार. वेरी गुड. 3 3 9 9 3 27 23 into 27 into 3 81. तो बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, 81 इज ग्रेटर देन 64. और 81 कौन सा नंबर है, 3 रेज पावर 4. 3 रेज पावर 4 इज ग्रेटर देन 4 रेज पावर 3. ठीक हो गया. अब कौन सा बड़ा है, 3 रेज पावर 4 इज ग्रेटर देन 4 रेज पावर 3. सेकंड पार्ट 5 रेज पावर 3. 5 रेज पावर 3 यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 का प्रोडक्ट लेना है 3 बार. और 3 है 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125. 3 रेज पावर 5 यानी 3 का प्रोडक्ट लेना है कितनी बार, 5 बार. 3 इंटू 3 9 9 3 27. 27 इंटू 3 कितना हो गया, 81. 81 इंटू 3 यहाँ पर करूंगा, 81 इंटू 3. 3 1 3 3 8 24 2 4 3 2 4 3. अब इनमें से कौन बड़ा है, 2 4 3 इज ग्रेटर देन 1 2 5. देयर फोर 5 रेज पावर 2 4 3 कौन सा नंबर है, 3 रेज पावर 5. 3 रेज पावर 5 इज ग्रेटर देन 5 रेज पावर 3. इसका आंसर है. थर्ड पार्ट 2 रेज पावर 8. 2 रेज पावर 8 कितना बनेगा, यानी 2 का प्रोडक्ट लेना है 8 बार. 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया 3. 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया 6. इंटू 2 इंटू 2 हो गया 8. कितना बनेगा, 2 4 2 8 8 2 16 2 32 32 2 64 64 2 128 128 इंटू 2 कितना हो गया, 256. यानी 2 रेज पावर 8 कितना है, कितनी है इसकी वैल्यू, 256. अब 8 रेज पावर 2 हो गया, यानी 8 की प्रोडक्ट है सिर्फ 2 बार, 8 की 2 पावर है, 8 8 8 8 64. अब कौन सा बड़ा है, देखो 256 इज ग्रेटर देन 64. और 256 कौन सा नंबर है, 2 रेज पावर 8. 2 रेज पावर 8 इज ग्रेटर देन 8 रेज पावर 2. तो ये इसका आंसर है. ठीक हो गया यहां तक. अब फोर्थ पार्ट पर आते हैं. फोर्थ पार्ट है 100 रेज पावर 2. कितना बनेगा, 100 इंटू 100 बनेगा. ठीक है, वो कितना बनेगा, 100 इंटू 100 10,000. अब 2 इंटू 100 यानी 2 की प्रोडक्ट कितनी बार लेनी है, 100 बार. वो तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है मगर बहुत ही ज्यादा लगेगा यहाँ पर है. फिर क्या करूं मैं, 2 रेज पावर जो 100 है मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 रेज पावर 10. 4 रेज पावर 10 10 10 10 इसके बराबर. ठीक हो गया. तो ये क्या बनेगा, 2 रेज पावर 100 है कितनी बार, कितनी बार है, 2 रेज पावर 100 है. अच्छा, 2 रेज पावर 10 4 रेज पावर 100 मैं लिखूंगा पहले 2 एंड 2 रेज पावर 10 है 10 बार. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, 1 2 3 4. 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया 8 बार. इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार हो गया, 10 बार. अब होल पावर क्या है, ठीक होगा. तो ये कितना बनेगा, 2 2 4 2 8 2 16 2 32 32 2 64
64 into 2 कितना हो गया 128 into 2 256 into 2 512 into 2 1024 तो पावर क्या है 110 अब ये क्या बनेगा 1024 into 1024 इन्हें 10 बार लेना है into 1024 कितना 1 2 3 4 5 6 into 1024 हो गया 7 1024 हो गया 8 1024 हो गया 9 1024 अब देखो ये जो 10 रेज पावर 2 था सिर्फ 10000 जो 2 रेज पावर 100 कितना बना यानी 1024 है इसको कितनी बार करना है प्रोडक्ट 10 बार तो ऑब्वियसली ये नंबर ज्यादा आएगा अगर सिर्फ पहले दो को मैं मल्टीपल करूं तब भी ये इससे बड़ा आ जाएगा तो इस देयरफॉर जो 2 रेज पावर 100 है ये बहुत बड़ा है किसे 100 रेज पावर 2 तो इसका आंसर है ठीक हो गया अब आखिरी पार्ट कौन सा है 2 रेज पावर 10 10 रेज पावर 2 2 रेज पावर 10 और 10 रेज पावर 2 2 रेज पावर 10 कितना आएगा यानी 2 का प्रोडक्ट करना है 10 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना आएगा 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 टू द 32 इंटू 2 हो गया 64 इंटू 2 हो गया 128 इंटू 2 हो गया 256 इंटू 2 हो गया 512 इंटू 2 हो गया 1024 अब दूसरा है 10 रेज पावर 2 अब 10 है कितनी बार प्रोडक्ट करना है सिर्फ दो बार 10 10 का 100 अब 1024 बड़ा है 100 1024 इज ग्रेटर देन 100 और 1024 कौन सा नंबर है 2 रेज पावर 10 और 2 रेज पावर 10 इज ग्रेटर देन 10 रेज पावर 10 रेज पावर 2 तो इसका आंसर है नंबर 5 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स तो हमें जो नंबर दिए हुए हैं इनके पहले प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं फिर उनका एक्सपोनेंशियल नोटेशन बनाना है तो पहले हमें प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं 648 हम जानते हैं प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं 2 3 5 7 7 के बाद 11 13 17 19 23 29 31 37 41 एंड सो ऑन यानी हमें स्टार्ट करना है फैक्टर पहले 2 से अगर 2 से नहीं डिवाइड होगा तो 3 से इसके बाद 5 से फिर 7 से फिर 11 से यानी प्राइम सिर्फ प्राइम नंबर से हमें फैक्टर्स निकालने हैं सिर्फ प्राइम फैक्टर्स तो पहले 2 से हम स्टार्ट करेंगे ये 48 है 648 2 से 2 3 4 6 2 2 4 2 4 8 फिर 2 से क्योंकि इवन नंबर है आफ्टर पर 2 1 4 2 ये वो आना तो 12 तो 6 जा 12 तो 2 जा 4 ठीक है यहां तक फिर 2 से 2 8 जा 16 2 1 जा 2 अब 2 से नहीं होगा क्योंकि 3 है ये 1 है यहां पर ये 8 प्लस 1 9 9 बनेगा ये यानी जो दूसरा प्राइम नंबर है उससे डिवाइड होगा यानी 3 2 जा 6 यहां से 2 निकले 21 बना 7 जा 21 3 9 जा 27 3 जा 9 3 1 जा 3 हो गया खत्म कितने फैक्टर्स आए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 648 इज इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 2 तीन बार इसके बाद 3 कितने बार है 4 बार 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू तो क्या बना ये बेस सेम है 2 कितनी बार है 1 2 3 बार इंटू यहां पर 3 है 3 कितनी बार है 4 टाइम्स 1 2 3 4 और तो ये है इसका आंसर ठीक हो गया यहां तक अब दूसरा पार्ट है 405
405 पे मैं लिखूंगा प्राइम फैक्टर्स ऑफ 405 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 405 इस पर कौन कौन से हैं यहां पर बनाऊंगा 40 अब 2 से नहीं होगा जो पहला प्राइम नंबर है क्योंकि यूनिट डिजिट पर 5 है ऑड नंबर है 3 से होगा 4 प्लस 5 को 9 9 हो गया 3 से होगा तो 3 से 3 वन जा 3 यहां से 1 निकला ये 10 बना 3 3 जा 9 10 में से 9 निकला 1 बना वो 15 5 के साथ मिला ये 15 बना 3 5 15 फिर 3 से 3 ये 13 है 3 4 जा 12 यहां से 8 निकला ये 15 बना 3 5 जा 15 फिर 3 से 3 1 जा 3 यहां से 1 9 15 3 5 जा 15 फिर 3 से 3 5 जा अब 3 से नहीं होगा अब 3 से होगा 5 से 5 1 जा 5 तो कितनी बार है 1 2 3 4 बार है 3 1 2 3 एंड 4 और एक बार है 5 तो ये बना 3 रेस पर 1 2 3 4 और 5 रेस पर 1 ऐसे लिख सकते हैं हो गए थर्ड पार्ट है 540 तो 540 के फैक्टर्स निकालने हैं मैं लिखूंगा प्राइम प्राइम फैक्टर्स ऑफ 540 इज इक्वल टू वही मैं निकालूंगा पहले 2 से होगा 2 2 जा 4 यहां से 8 निकला 14 बन गया 2 7 जा 14 2 0 जा 0 फिर 2 से 2 1 जा 2 2 3 जा 6 यहां से 1 निकला 10 बन गया 2 5 जा 10 अब 2 से नहीं होगा यूनिट डिजिट पर 5 अब 3 से होगा 3 प्लस 1 4 4 प्लस 5 हो गया 9 यानी 9 को 3 से हो जाएगा यानी इसका मतलब है कि 133 इज डिविजिबल बाय 3 3 4 जा 2 से 1 निकला 15 बना 3 5 जा 15 फिर 3 से 3 1 जा 3 यहां से 1 निकला 15 बना 3 5 जा 15 फिर 3 से 3 5 जा 15 अब 5 को 5 1 यहां पर 2 दो बार है 3 कितनी बार है 3 बार है इंटू 5 है एक बार तो 2 रेज पावर कितना है एक और दो बार है इंटू 3 रेज पावर 2 3 रेज पावर 3 तीन बार है इंटू 5 तो इसका आंसर है चौथे पार्ट पर आएंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3600 इज इक्वल पहले मैं यहां से निकालूंगा 3600 2 से स्टार्ट करूंगा इसे 2 से 2 1 जा 2 8 जा 16 2 0 जा 2 0 जा फिर 2 9 जा 18 2 0 जा 2 0 जा फिर 2 से 2 4 जा 8 5 जा 10 2 0 जा फिर 2 से 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 5 जा 10 अब 2 से नहीं होगा 2 प्लस 2 4 प्लस 5 9 यानी 3 से होगा 3 7 जा 21 यहां से 1 निकला 15 बना 3 5 जा 15 ठीक हो गया 3 7 जा 21 यानी 1 निकला 3 5 15 फिर 3 से 3 2 जा 6 यहां से 1 1 निकला 15 बना 3 5 जा 15 अब 3 से नहीं होगा 25 यानी 5 5 जा 25 5 1 जा तो कितने 2 कितने बार है 1 2 3 4 2 4 टाइम्स है इनटू 3 कितनी बार है 2 बार इनटू 5 2 बार तो ये बनेगा 2 2 2 2 यानी बेस 2 है कितनी बार है 1 2 3 4 इनटू बेस 3 है कितनी बार 2 टाइम्स इनटू 5 बेस 5 है कितनी बार है 2 बार तो इसका आंसर है यानी एक्सप्लेनेशन प्रोजेक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स प्राइम फैक्टर्स क्वेश्चन नंबर 6 सिंपलीफाई फर्स्ट पार्ट है 2 इंटू 10 रेस पावर 3 तो इसकी वैल्यू निकालनी है 2 इंटू 10 रेस पावर 3 कितना बनेगा 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 3 बार तो ये कितना बनेगा 10 इंटू 10 इंटू 10 हो गया 1000 1000 इंटू 2 कितना होगा 2000 तो 2000 इसका आंसर है बहुत ही आसान है सेकंड पार्ट 7 रेस पावर 2 इंटू 2 रेस पावर 2 7 रेस पावर 2 यानी 7 इंटू 7 इंटू 2 रेस पावर 2 2 इंटू तो ये बनेगा 7 इंटू 7 हो गया 49 2 इंटू 2 होगा 4 तो क्या बनेगा 4 9 जा 36 4 4 जा 16 प्लस 3 19 196 इसका आंसर है थर्ड पार्ट 2 रेस पावर 3
यानी 2 इंटू कितनी बार, 3 बार, इंटू 5 रेज पावर 5, एक ही बार है 5, तो ये बनेगा 2 टू द 4 टू द 8, 8 इंटू 5 कितने बनेगा, 8 5 जार 40, इसका आंसर है। फोर्थ पार्ट, 3 इंटू 4 रेज पावर 3, यानी 4 कितनी बार है, 3 बार, एक ही बार है, 4 4 जार 16, 4 जार 64, 4 3 जार 12, 6 3 जार 18 प्लस 1 19, 192 इसका आंसर है। फिफ्थ पार्ट, 0 इंटू 10 इंटू 10, ये बनेगा 0 इंटू 10, 10 जार 100, 0 को हम जिस भी नंबर से मल्टीपल करेंगे वो क्या बनता है, 0, यानी आंसर क्या बनेगा, 0। सिक्स्थ पार्ट, 5 रेज पावर 2 इंटू 3 रेज पावर 3, 5 रेज पावर 2 यानी 5 दो बार है, 3 कितनी बार है, 3 बार, पावर 3 है, ये बनेगा 5 5 जार 25 इंटू 3 3 जार 9 3 जार 27, तो ये कितना बनेगा, 25 इंटू 7 हो गया 175, 17 के लिए 25 इंटू 2 हो गया 50, 50 प्लस 17, 50 प्लस 17 कितने हो गए, 67, तो 675 इज द आंसर। सेवंथ पार्ट पर आएंगे, 2 रेज पावर 4 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 रेज पावर 2 यानी कितनी बार, दो बार, 2 टू 4 2 8 2 16 इंटू 3 3 9, ये 9 6 54, 9 1 9 प्लस 5 कितने बन गए, 14, 144 इसका आंसर। एट्थ पार्ट, 3 स्क्वायर यानी 3 रेज पावर 2 3 इंटू 3, 10 रेज पावर 4 एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ये बनेगा 3 3 जा 9 एंड ये क्या बनेगा 1 2 3 4 0 कितना बना, 10000, 10000 इंटू 9 कितने बने, ये 0, 10000 इंटू 10 9 जा 90, 90000 इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कंपेयर करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है या ये बराबर है। अब देखो ये नंबर है 2.7 इंटू 10 रेज पावर 12, 1.5 इंटू 10 रेज पावर 8, यहां पर पहले ये देख रहे हैं दोनों पॉजिटिव नंबर है, अगर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होगा तो जो पॉजिटिव वाला वो बड़ा होगा, यहां पर दोनों पॉजिटिव हैं, देखो क्या करना है, यहां पर 10 कितनी बार है, 12 बार, यहां 10 कितनी बार है, 8 ही बार, इसे कौन नंबर बड़ा हो गया, हियर वो 2.7 इंटू 10 रेज पावर 12 is greater than 1.5 into 10 raised power 8, बस इतना ही लिखना है, हो गया। सेकंड पार्ट, इसी तरह से पहले ये देखा दोनों पॉजिटिव नंबर है, यहां पर प्लस 4 प्लस 3, अब यहां पर 10 raised into 10 raised power 14, 10 raised power 17, बड़ा कौन है, 10 raised power 17, therefore 3 into 10 raised power 17 is greater than 4 into 10 raised power 14, तो इसका आंसर है। What's next?